या स्कूल में उस तरह इनकरेजमेंट नहीं मिली होती इनको प्रेस नहीं किया जाता इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कि बेसिकली दे हैव हाँ द सेल्फ वर्थ तो उस वजह से जो इनकी लो सेल्फ़ एस्टीम है समटाइम उससे ग्रेटिफाई करने के लिए आ, दे कैन आ, दे कैन डू द क्लाप्टोमिया सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज दैन द स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड ऐसे बच्चे जिनके घर का जो इन्वायरमेंट है आ, वो प्रॉब्लमेटिक होता है जिनके जो पेरेंट्स हैं उनका आपस में डिस्कॉट होता है और वो आपस में एक प्लाजेंट बिहेवियर उनका आपस में नहीं होता तो वो जब बच्चा उस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो उसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकता है जो कि मैनिफेस्ट कर सकता है इन अ फॉर्म ऑफ क्लैप्टोमीनिया इसके अलावा अगर आप ये चीज़ देखें कि अगर उस बच्चे के साथ फिज़िकल एब्यूज़ हुआ हुआ है या उसने वर्बल एब्यूज़ को फ़ेस किया हुआ है या उसने कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फ़ेस किया है जिस तरह कोई सेक्सुअल एब्यूज़ उसने फ़ेस किया है तो उस वजह से भी जो बच्चा है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं वो बच्चे को लीड कर सकते हैं टूवर्ड्स द बिहेवरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर एक बच्चा है और उसके जो स्कूल में एनवायरनमेंट है या जो उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ से उसे रिजेक्शन की फीलिंग्स मिलती हैं या वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो उसकी वजह से भी जो उसका सेल्फ स्टीम लेवल है वो लो हो जाता है या उसको घर में वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है और उसको यूँ लगता है कि वो ही और शी इज़ नॉट अ लवेबल चाइल्ड तो उसकी वजह से भी इस किस्म का जो इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज हैं वो बच्चे के डेवलप हो सकते हैं इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द मूड डेविएंट कंडीशन अब मूड डेविएंट कंडीशन के बारे में चूँकि ये बात को क्यों डिस्कस करना ज़रूरी है बिकॉज ये कहा जाता है कि जो क्लप्टोमीनिया है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल तो इट वॉज लाइक अ सेड के जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो मूड की डिस्टरबेंसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स फॉर एग्जाम्पल इट माइट पॉसिबल कि ये जो एक्टिविटी है क्लैप्टोमीनिया की या ये जो डिसऑर्डर है क्लैप्टोमिया का ये ख़वात उस वक़्त एक्सप्रेस करें वैन दे आर हैविंग द मैंस्ट्रल प्रॉब्लम ठीक है यानी इट माइट पॉसिबल कि प्री मैंस्ट्रल सिंड्रोम के, के दौरान जो ख़वान हैं वो इस किस्म की एक्ट करें यानी प्री मैंस्टरल सिंड्रोम की वजह से दे फील दम सेल्फ टेंस एंड दे हैव दर्ज टू स्टील समथिंग दैन देल सम एंड देन दे फील देम सेल्फ रिलैक्स तो और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि uh, जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी के बाद सर्टन टाइम जो मूड है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो उस दौरान भी ये देखने में आया है कि ये खुवात जो हैं अब वो इस किस्म का एक्ट जो है वो करती हैं यानी व्हेन दे एवर फील देम सेल्फ टेंस दे गो दे स्टील एंड देन दे फील देम सेल्फ कम्फर्टेबल तो आ, इसी तरह मेनो के दरम्यान भी इस तरह होता है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं मूड के चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं तो उस वक्त दे फील दमसेल्फ इसटेबल अर्ज टू तो स्टील समथिंग तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो आ, आ, है मूड डिस्टर्बेंसिस वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि क्यों ख़ीन जो हैं वो ज़्यादातर इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं या उनको क्लाप्टोमिया का डायगनोज वो ज़्यादा होती हैं इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जितनी भी केसेस uh, uh, आते हैं क्लैप्टोमिया uh, के उनके अंदर मोस्टली uh, जो फीमेल्स uh, होती हैं और वो जो फीमेल्स होती हैं वो हाई सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं अब ड्यूरिंग द लाइक दे वर्स होता क्या है कि बेसिकली दे वर इन सम लीगल प्रोसेस और जिस लीगल प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल उनको शॉप लिफ्टिंग की वजह से कॉट uh, किया गया और फिर जब लीगल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो पता चला कि दैट वाज नॉट द एक्ट ऑफ शॉप लिफ्टिंग रादर दैट वाज द एक्ट ऑफ क्लप्टोमिया ठीक है यानी वो जो चीज़ उन्होंने चुराई वो उसको ख़ुद भी ख़रीद सकती थी लेकिन क्योंकि उनके अंदर अर्ज इतनी ज़्यादा थी फॉर दैट थिंग कि उन्होंने उसको फ़ौरी तौर पर सील कर लिया तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो खतानी हैं उनके अंदर ये रेशो ज़्यादा है बट इधर एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि सर्टन टाइम पीपल क्या करते हैं दे आर ट्राइंग टू टेक अ प्ली ऑफ क्लप्टोमीनिया टू अवॉइड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ठीक है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वे वी नीड टू बी मार्क दैट डिस्क्रिमिनेशन और डिमार्केशन के वेदर दिस थिंग ड्यू टू क्लैप्टोमीनिया और ड्यू टू एक्चुअल शॉप लिफ्टिंग लिफ्टिंग थिंग थैंक यू